गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज का जो हमारा करंट अफेयर का टॉपिक होगा वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन वॉशिंग। तो आज की जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि ग्रीन वॉशिंग जो है वो क्या है और क्यों ये न्यूज़ में है। ये जो आपका जो आज का जो टॉपिक है, ये आपसे डायरेक्टली आपसे सवाल जो है ये पूछा जा सकता है कि ग्रीन वॉशिंग जो रिसेंटली न्यूज़ में थी उसके बारे में, उसकी बेसिकली आपसे जो डेफिनेशन है वो पूछी जा सकती है। तो इस सारी क्लास में इसकी जो मेन डेफिनेशन होगी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें जो आपको जो ग्रीन वॉशिंग के बारे में जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी उनको आप जो है कोट कर सकते हो कहीं पे भी अपना एनवायरमेंट का। जब भी आपका पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछा जाता है या फिर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछा जाता है, तो आप ग्रीन वॉशिंग को जो है वहां पे आप कोट कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो ग्रीन वॉशिंग है ये न्यूज में क्यों है। तो रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने वॉर्न किया है प्राइवेट कॉरपोरेशन को कि वो जो अपनी प्रैक्टिस है ग्रीन वॉशिंग की उसको डिजिस्ट करें। ठीक है, डिजिस्ट करें का मतलब होता है कि खत्म करें। ठीक है, एंड मैन देयर वेज विद इन अ ईयर, और अगले एक साल के अंदर अंदर अपने जो तरीके हैं उनको जो है उनको मेंड करें। द जर्नल हैज ऑल्सो डायरेक्टेड टू सेट अप एन एक्सपर्ट ग्रुप सोलली टू लुक इन टू द प्रैक्टिस। ठीक है, तो इन्होंने एक ग्रुप जो है जो ये जो प्रैक्टिस जो की जाती है ग्रीन वॉशिंग की स्पेशली उसके लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए एक स्पेशल ग्रुप जो है एक्सपर्ट ग्रुप उसको जो है एक सेटअप किया है और उसको डायरेक्शन दी है कि वो जो ये जो मैटर है उसके उसकी तरफ ध्यान दें। अब देखते हैं कि ये जो ग्रीन वॉशिंग होती है ये असल में क्या है। द टर्म ग्रीन वॉशिंग वॉज फर्स्ट यूज इन 1986 बाई जे वेस्टरवेल्ड एंड अमेरिकन एनवायरमेंटलिस्ट एंड रिसर्चर। तो सबसे पहले ये जो टर्म थी 1986 में जो है डिफाइन की गई थी या यूज में लाई गई थी, एक अमेरिकन एनवायरमेंटलिस्ट थे और रिसर्चर थे। तो ग्रीन वॉशिंग जो होती है वो एक प्रैक्टिस है इन विच फर्म्स एंड गवर्नमेंट मार्क ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज एज क्लाइमेट फ्रेंडली। ठीक है, हर तरीके की एक्टिविटी जो है वो उसको क्लाइमेट फ्रेंडली जो है मार्क कर देते हैं, और वो जो है उसके तहत जो है उसको मार्क करने के बाद, मान लो जैसे कोई एक कंपनी है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है कि वो कोल जो है उसको बर्न कर रही है। हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि एक कंपनी है वो क्या कर रही है, कोल को बर्न कर रही है। ठीक है, तो वो जो बर्निंग ऑफ कोल होगा ना वो उसको भी ग्रीन वॉशिंग के तहत उसको मार्क कर लेगी, और जो है जो कोल बर्निंग होगी उसको एज इट इज एग्जीक्यूट करती रहेगी। ठीक है, अब जो पेपर्स है उसके पेपर्स की नजर में तो वो चीज जो थी वो ग्रीन वॉशिंग के अंडर आ गई, लेकिन उस वजह से जो एमिशन हो रहा है, जो पॉल्यूशन हो रहा है, वो तो एज इट इज होता ही रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से इसी चीज को जो है ग्रीन वॉशिंग कह दिया जाता है कि हर तरीके की एक्टिविटी को जो क्लाइमेट के लिए खतरनाक थी उसको क्लाइमेट फ्रेंडली जो है मार्क कर देना, उसी चीज को ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो ग्रीन वॉशिंग की जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं ग्रीन वॉशिंग के बारे में। मैनी ऑफ दीज क्लेम्स आर अनवेरीफाइएबल। ठीक है, ये जो क्लेम्स जो होते हैं इनको वेरीफाई नहीं किया जा सकता, मिसलीडिंग होते हैं और ड्यूबियस होते हैं। ठीक है, मतलब इन पे डाउट जो होता है वो रहता है कि क्या ये जो एक्टिविटीज जिनको ग्रीन वॉशिंग के तहत मार्क कर दिया गया है, क्या ये सच में ग्रीन वॉशिंग के तहत आती थी या फिर नहीं आती थी। वाइल इट हेल्प्स इन बूस्टिंग द इमेज ऑफ द एंटिटी, दे डू नथिंग इन फाइट अगेंस्ट। ठीक है, तो ये जो पॉल्यूशन जो होता है इसको फाइट करने के अगेंस्ट जो है ये कुछ भी जो है वो नहीं करते। इनफैक्ट जो चीजें जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रही होती हैं उनको ग्रीन वॉशिंग का नाम देके इसी में मार्क कर दिया जाता है। सेवरल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इंक्लूडिंग ऑयल जायंट्स लाइक शेल हो गया आपका, भारत पेट्रोलियम हो गया, कोका कोला हो गया, ये जो है इन्होंने ग्रीन वॉशिंग के एक्विजिशन जो है उनको सामना जो उनको इनको करना पड़ा है, ये जो कंपनीज मैंने आपको बताई। ग्रीन वॉशिंग इज प्रेवलेंट अक्रॉस द होल रेंज ऑफ एनवायरमेंट एक्टिविटीज। डेवलपिंग कंट्रीज आर ऑफन अक्यूज्ड ऑफ ग्रीन वॉशिंग देयर नॉर्मल बिजनेस इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं, जो अपना जो नॉर्मल बिजनेस इन्वेस्टमेंट जो है वो करती हैं, उनको भी ये जो है एक्विजिशन जो है उनके ऊपर भी ग्रीन वॉशिंग के लगाए गए हैं। बाय हाईलाइटिंग क्लाइमेट को बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल फ्लो समटाइम्स विद वेरी लिटिल जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट आते हैं इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या है इसके ग्रीन वॉशिंग के। ग्रीन वॉशिंग प्रेजेंट्स अ फॉल्स पिक्चर ऑफ प्रोग्रेस बीइंग मेड इन द क्लाइमेट फ्रंट, क्लाइमेट चेंज फ्रंट। ठीक है, अब मान लो चीजें जो है वो ग्रीन वॉश के अंदर टिक कर दी गई हैं, तो जो जो आपकी जो एजेंसीज जो है जो स्पेशली इस तरफ जो कदम जो उठा रही हैं कि किसी भी तरीके से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको किस तरीके से रोका जा सके, और जो आपका पॉल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है तो उसको किसी तरीके से रोका जा सके,
लेकिन जब ये जो कॉर्पोरेट कंपनीज जो हैं हर चीज को ग्रीन वॉशिंग के तहत ऐड कर देती हैं या उसी के अंदर मार्क कर देती हैं, तो उससे क्या होता है कि एक फॉल्स पिक्चर जाती है कि जो प्रोग्रेस हो रही है वो इस क्लाइमेट चेंज फ्रंट की तरफ जो प्रोग्रेस है वो की जा रही है, लेकिन बल्कि रियलिटी जो होती है वो कुछ और ही होती है, पुशिंग वर्ल्ड टूवर्ड डिजास्टर, और ये जो है वर्ल्ड को डिजास्टर की तरफ धकेल रहा है, एट द सेम टाइम रिवॉर्डिंग एंटिटीज फॉर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। उसके अलावा चैलेंजेस जो हैं वो इसमें क्या है, इसको रेगुलेट करने में द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स डेट कैन पोटेंशियली कट डेट कैन पोटेंशियली कट एमिशंस आर सो मेनी डेट इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू मॉनिटर एंड वेरीफाई ऑल। ये जो इसके जो प्रोसेस हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मान लो जैसे इसमें प्रोसेस और प्रोडक्ट्स में आपके जो जितने भी पॉल्यूटेंट्स जो हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे, कि वो जो है वो इतने ज्यादा हैं कि हर किसी को प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है कि हर एक कॉम्पोनेंट को जो है मॉनिटर किया जा सके और हर एक कॉम्पोनेंट को जो है वो वेरीफाई किया जा सके। द प्रोसेसेस मेथडोलॉजीज एंड इंस्टीट्यूशंस टू मेजर रिपोर्ट क्रिएट स्टैंडर्ड्स वेरीफाई क्लेम्स एंड ग्रांट सर्टिफिकेशंस आर स्टिल बींग सेटअप। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैव स्प्रंग अप क्लेमिंग एक्सपर्टाइज इन दीज एरियाज एंड ऑफरिंग देयर सर्विसेज फॉर फी। मैनी ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस लैक इंटेग्रिटी एंड रॉबस्टनेस बट देयर सर्विसेज आर स्टिल अवेलेबल बाई कॉर्पोरेशन बिकॉज इट मेक्स दैम लुक गुड। ठीक है, तो बेसिकली इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, ठीक है, मतलब मेन चैलेंजेस इनमें यही है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं ये जो है सबसे पहले तो हर चीज को ग्रीन वॉश का नाम देके जो पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट कर रही है, और दूसरा क्योंकि इसके पैरामीटर्स इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा पॉल्यूटेंट्स हैं, तो उन सबको जो है मेजर करना मुश्किल है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें ये जो मेन रेगुलेटिंग चैलेंजेस जो हैं वो इसमें रहते हैं। उसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैव स्प्रंग अप क्लेमिंग एक्सपर्टाइज इन दिस एरिया। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कहती हैं कि हाँ हमें जो है ग्रीन वॉशिंग में हमने जो है एक्सपर्टाइज जो है वो हासिल कर ली है एंड ऑफरिंग देयर सर्विसेज फॉर अ फी, और अपनी सर्विसेज जो है वो एक फी चार्ज करके अपनी सर्विसेज जो है वो दे रही है, लेकिन यही ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये इंटेग्रिटी और रॉबस्टनेस जो है वो इनमें नहीं है, बट देयर सर्विसेज आर स्टिल अवेल्ड बाय कॉर्पोरेशन, लेकिन इनकी जो सर्विसेज हैं वो कॉर्पोरेशन के द्वारा ली जा रही है, क्योंकि वो कहती है कि हम जो है ग्रीन वॉश जो है वो हम करते हैं लेकिन असल में वो ऐसा कुछ भी नहीं करते। ठीक है, और जो मतलब बेसिकली ये एक तरीके का बिजनेस बन चुका है, एक कंपनी ऐसी है जो कहती है कि हम जो चीजें हैं वो आपकी ग्रीन वॉश कर देंगे, दूसरी कंपनी ऐसी है कि हम जो है हम दूसरी कंपनी को ग्रीन वॉश की जरूरत है, तो वो जो है दोनों अपना अपना फायदा कमा रही है, और जो जो हैम्पर हो रहा है वो आपका क्लाइमेट जो है वो इससे हैम्पर हो रहा है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ग्रीन वॉशिंग का अफेक्ट जो है कार्बन क्रेडिट के ऊपर। कार्बन क्रेडिट क्या होता है सबसे पहले वो देखते हैं। अ कार्बन क्रेडिट इज अ क्रेडिट फॉर ग्रीन वॉशिंग एमिशन रिड्यूस्ड और रिमूव, तो सॉरी ग्रीन हाउस एमिशन रिड्यूस्ड और रिमूव, तो आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेज जो होती है उनको रिमूव करने के लिए या उनको रिड्यूस करने के लिए जो क्रेडिट जो है वो कार्बन क्रेडिट वो दिया जाता है। तो इसमें बेसिकली आपके जो फॉरेस्टेशन जो है उससे जो आपका, क्योंकि फॉरेस्ट लगाएंगे तो वो क्या करेगी, जो आपका एनवायरमेंट है उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यूज कर लेगी, उसको कंज्यूम कर लेगी, तो आपका जो एक्स्ट्रा जो गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आपके एज अ पॉल्यूटेंट जो है वो आपके एनवायरनमेंट में नहीं रहेगी, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस या फिर दूसरे ऐसे जो पॉल्यूटेंट्स जो हैं या फिर जो आपकी दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस है वो हमारे एनवायरनमेंट में कम प्रोड्यूस हो या जो जितनी प्रोड्यूस हो उतनो उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाए, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी जो कदम जो उठाए जाते हैं उन कदमों को उठाने के लिए जो कार्बन क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, जो मान लो कोई देश है वो ज्यादा से ज्यादा पेड़ जो है उनको लगा रहा है तो उस देश को कार्बन क्रेडिट जो है वो दिया जाएगा, तो बेसिकली इसमें कार्बन सर्टिफिकेट जो है वो दिए जाते हैं। दोज कैन नॉट इजिली रिड्यूस्ड एमिशन कैन स्टिल ऑपरेट एट अ हायर फाइनेंशियल कॉस्ट, और जो अपना जो एमिशन जो है उनको रिड्यूस नहीं कर पाते उनको एक हायर फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो देनी पड़ती है, मतलब बेसिकली उनके ऊपर जो है आप कह सकते हो कि कार्बन टैक्स जो है वो लगाया जाता है। कार्बन क्रेडिट्स आर बेस्ड ऑन कैप एंड ट्रेड मॉडल दैट वाज यूज्ड टू रिड्यूस सल्फर पॉल्यूशन इन 1990s। तो जो कार्बन क्रेडिट जो है सबसे पहले 1990s में जो है वो लाया गया था, उस टाइम पे सल्फर पॉल्यूशन जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, तो उस सल्फर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए ये जो आपको कार्बन क्रेडिट जो था उसको लाया गया था। वन कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 मैट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो एक कार्बन क्रेडिट किसके इक्वलेंट होता है, 1 मैट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के।
इफेक्ट देख लेते हैं कार्बन ग्रीन वॉशिंग के ऑन कार्बन क्रेडिट। एक तो इसकी जो मार्केट है वो इनफॉर्मल है। देयर आर नाउ क्रेडिट्स अवेलेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज सच एज ग्रोइंग ट्री, फॉर प्लांटिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ क्रॉप, फॉर इंस्टॉलिंग एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट इन ऑफिस बिल्डिंग। इन सब के लिए जो कार्बन क्रेडिट जो है वो अभी दिया जाने लग गया है। द क्रेडिट फॉर सच एक्टिविटीज आर ऑफन सर्टिफाइड बाय अनऑफिशियल थर्ड पार्टी कंपनी एंड सोल्ड टू दी अदर्स। ठीक है, तो अभी जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि जो कंपनी जो है उन्होंने बिजनेस बना लिया, ठीक है। मान लो एक कंपनी है, ये क्या करती है, कार्बन क्रेडिट प्रोवाइड करवाती है। दूसरी कंपनी क्या होगी, इससे कार्बन क्रेडिट जो है वो खरीद लेगी, ठीक है। असल में ये बिल्कुल नहीं देखा जाएगा कि क्या ये जो कंपनी जितना ये कार्बन क्रेडिट प्रोवाइड करवा रही है, तो ये क्या कंपनी उसने इस कंपनी ने उतना कार्बन क्रेडिट जो था वो गेन किया भी था या नहीं किया था, या वो ऐसे ही सिर्फ एक कागज का टुकड़ा जो है जिसमें ये लिखा हुआ है कि हाँ इस कंपनी ने जो है इतना कार्बन क्रेडिट इसके पास है, तो ये दूसरी कंपनी को एज इट इज प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। तो दोनों कंपनीज जो है अपना अपना फायदा उठा रही हैं, और जो मैंने आपको बताया था कि सफर जो है वो हमारा क्लाइमेट जो है उसको करना पड़ रहा है, जो पॉल्यूशन जो है हमारे क्लाइमेट में इस वजह से बढ़ता जा रहा है। उसके बल अलावा क्रेडिबिलिटी देख लेते हैं। कंट्रीज लाइक इंडिया और ब्राजील है अक्यूमुलेटेड ह्यूज कार्बन क्रेडिट्स अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। जब क्योटो प्रोटोकॉल आया था तब जो है कंपनी कंट्रीज जैसे इंडिया और ब्राजील हो गई, इन्होंने ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन क्रेडिट जो था उसको गेन कर लिया था, अक्यूमुलेट कर लिया था, एंड वॉन्टेड दीज टू बी ट्रांजिशन टू न्यू मार्केट बींग सेटअप अंडर पेरिस एग्रीमेंट। तो जो पेरिस एग्रीमेंट में जो न्यू गोल जो है वो आपको दिए गए हैं, तो ये कंट्रीज जो हैं स्पेशली जिन कंट्रीज ने ज्यादा कार्बन क्रेडिट जो हैं अकोमिलेट कर लिए थे क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर, तो वो चाहती हैं कि इन्हीं कार्बन क्रेडिट को आगे ट्रांसफर कर दिया जाए, ये जो पेरिस एग्रीमेंट है। लेकिन बहुत सी जो डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो इसके लिए रेजिस्ट कर रही है, क्योंकि उनका कहना है कि इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो मतलब वो ये जो शो कर रही है कि इनके जो कार्बन क्रेडिट इतने ज्यादा है उसकी कोई भी क्रेडिबिलिटी जो है वो नहीं है, ठीक है। तो ये सारा जो आपकी क्लास थी ग्रीन वॉशिंग के बारे में थी। आई होप मेन जो आपको समझने वाली चीज थी वो ग्रीन वॉशिंग थी, तो वो मैंने आपको समझा दी है कि ग्रीन वॉशिंग क्या होती है, कि हर तरीके की एक्टिविटी को इसमें ग्रीन आपका टिक लगा दिया जाता है कि ये सारी एक्टिविटीज जो है वो ग्रीन वॉशिंग के अंदर आती है। तो इसी वजह से यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है, उन्होंने ये जो है इसके ऊपर इसको बैन लगाने की बात की है, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी वो ग्रीन वॉशिंग के बारे में थी। इसके जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहां पे भी इसके नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।